इलॉन भैया ने चाइना में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके इंडिया में टेस्ला के मार्केट पे थॉर वाला हथौड़ा मार लिया है, क्योंकि अब इंडिया में टेस्ला की 60 लाख रुपए वाली कार अब इंडिया में 1,20,00,000 में मिलेगी। ऐसे में अब फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों के मामले में टाटा की अवेनिया कार इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूचर बनने वाली है। इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेनिया लॉन्च करके टाटा धूम मचाने वाला है, क्योंकि पहली नजर में ही देखने से इस कार में पूरा फ्यूचर नजर आता है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि अवेनिया इंडिया में लॉन्च कब तक होने वाली है और इसकी कीमत क्या होने वाली है। दरअसल अवेनिया वर्ड संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। आपने शायद ही सोचा होगा कि यह कार आधे घंटे में फुल चार्ज होने के बाद 500 किलोमीटर चलेगी, लेकिन मेरे दोस्त ये कार अभी एक कॉन्सेप्ट व्हीकल है, तो ये भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि यह कार लॉन्च हो भी पाएगी कि नहीं। टाटा के अकॉर्डिंग यह कार फरवरी 2025 में आ जाएगी, जिसे वॉइस कमांड से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस कार की कीमत लगभग 25-30 लाख रुपए होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया में लॉन्च हो पाएगी। अगर आपके पास अवेनिया और टेस्ला दो ऑप्शन हो तो आप किस कंपनी की कार को चूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स आप मिस ना कर दें। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।